हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुपनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कॉग्निजेंट तो आपकी अभी डीओजी नहीं आई है और आपके पास समय है, टाइम है, पर्याप्त टाइम है आपके पास, तो आपको किन चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि आपकी ट्रेनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा आसान और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी ट्रेनिंग पीरियड में। इवन ट्रेनिंग पीरियड में ही नहीं, जब आप फर्दर ट्रेनिंग कर रहे होंगे उसके बाद जब प्रोजेक्ट में आप एलोकेट हो रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बात करूं कि बहुत सारे डोमेन आपको कॉग्निजेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप जेंसी के थ्रू आ रहे हैं या जेंसी नेक्स्ट के थ्रू आ रहे हैं या एलिवेट के थ्रू आ रहे हैं या जेंसी प्रो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप कॉग्निजेंट में आ रहे हैं तो आपको कोई भी डोमेन यहाँ पे मिल सकता है गाइस। किसी सारे प्रोसेस में डोमेन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, सारे ट्रेंडिंग डोमेन सबको मिल जाते हैं, चाहे वो फुल स्टैक हो, चाहे वो AI के अंदर बिग डेटा हो या क्लाउड हो या सेल्सफोर्स हो, ऐसे बहुत फुल स्टैक आपको वेब डेवलपमेंट में हो या जावा में हो या C# में हो, .NET जिसको हम कहते हैं, तो गाइस कोई भी डोमेन हो आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि पहले से आपको खुद पता नहीं होता है कि आपको कौन सा डोमेन यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि डोमेन बहुत सारे हैं, कोई सा डोमेन आपको मिल सकता है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या चीजें आपको मेंटेन करनी है, किन चीजों को आप पे आपको फोकस करना है, किन चीजों को रेडी करके आना है। तो मैं बता दूं, पहली एक चीज जो है SQL की अगर मैं बात करूं वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि अगर आप चाहे फुल स्टैक में जा रहे हो वहां पे भी आपको SQL पढ़ाया जाता है, या फिर आप अगर AI के अंदर किसी भी डोमेन में जा रहे हो, चाहे वो आप बेसिकली मैं कुछ बड़े बड़े डोमेन्स की बात कर रहा हूँ गाइस, कुछ और डोमेन्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि हर डोमेन्स का जो सिलेबस है, कैरिकुलम है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं जिन डोमेन्स की बात कर रहा हूँ गाइस मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस होता है कि आपको यही चीजें सीखने को मिलने वाली। तो गाइस SQL आप अगर पढ़ के आ रहे हैं अच्छे से तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। किस आप वेब डेवलपमेंट के फुल स्टैक में जा रहे हो या फिर आप गाइस जा रहे हो फुल स्टैक जो आपका .NET का है या जावा का है, तो वहां पे भी आपको SQL सिखाया जाता है, या तो आप बैकएंड में बैकएंड का आपको कोई भी डोमेन मिला हो तो वहां पे भी आपको SQL हेल्प करने वाली है। या अगर आप बात करो AI में गाइस, चाहे वो तुम्हारा क्लाउड हो, चाहे वो आपका बिग डेटा हो, वहां पे भी आपको SQL पढ़ना पड़ेगा। SQL के साथ साथ आपको डेटा वेयर हाउस भी पढ़ना रहेगा। तो गाइस ये चीज अगर आप स्ट्रॉन्ग करके आते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो बहुत सारा कमेंट था मेरे पास कि अगर मैं AI में हूँ या इस डोमेन में हूँ तो मुझे क्या पढ़ के आना है, क्या मुझे तैयारी करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है गाइज। तो सेकंड थिंग इज, अब आपको किस चीज पे फोकस करना है, ये तो आपका SQL हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं गाइज बात करूं तो आपको मेरी तरफ से जावा पढ़ के आनी चाहिए। जावा में आपके अगर जावा आपकी अच्छी होगी तो जावा अच्छी होनी चाहिए, और पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आप जावा और पाइथन दोनों को प्रिपेयर करके आइए, क्योंकि अगर आप जावा प्रिपेयर करके आते हैं, जावा में वो कॉन्सेप्ट रहते हैं गाइस कि यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई भी डोमेन मिल जाता है, अगर आपको .NET मिलता है जिसमें आपको C# सिखाई जाती है, तो गाइस आप तब भी आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा ना गाइस तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जावा में वही सिमिलर C# में, थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है लेकिन गाइस बाकी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो बिल्कुल होते हैं सेम, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जावा सीख के आइए, क्योंकि आपको जावा पढ़ाई ही जाती है क्लाउड के अंदर और बिग डेटा के अंदर या AI के जो डोमेन्स हैं, या आपका अगर आप बैकएंड की बात करूं तो वहां पे आपको जावा सिखाई जाती है, जावा फुल स्टैक की बात करूं तो वहां पे आपको जावा सिखाई जाती है। तो बहुत सारे डोमेन है जिसके अंदर जावा ही रहती है, तो 90% केसेस में आपको जावा पढ़नी पड़ जाएगी यहाँ पे आके। और बात करूं पाइथन की, तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन, अगर AI के अंदर की बात करूं तो CDB AI है, तो वहां पे आपको पाइथन पढ़ाया जाएगा, साथ में साथ जावा भी पढ़ाई जाएगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप दो लैंग्वेज अच्छे से पढ़ के आइए। अगर आपको अच्छे से पढ़ के नहीं आते हैं, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपने इंटरव्यू क्रैक करा है पढ़ के, तो आई होप कि आपके अंदर नॉलेज होगी, बट मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा, इंटरव्यू हुए 1 महीना हो गया होगा, 2 महीने हो गए होंगे, DOJ नहीं आई है या वेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज करें, जावा पाइथन को आप सीखें, तो मे बी आपकी जो ट्रेनिंग उस टाइम पे आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ये कुछ चीजें हैं, जावा हो गई, एसक्यूएल हो गई, पाइथन हो गई। अगर आप बहुत ही ज्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा HTML, CSS, JavaScript। JavaScript काफी अच्छी चीज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड दोनों साइड वर्क करती है, तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। चाहे आपकी रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम में उनके साथ में। तो आपको ये तीन चीजें फ्रंट एंड के लिए जरूर सीखनी चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको HTML, CSS, JavaScript। अगर आप इतना सीख के आते हैं गाइस, बिलीव करिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। गाइस आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही है कि मैं वीडियो जो लेके आता हूँ बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं लेके आता हूँ। तो आई होप गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी और लेके आने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। जो मैंने एक फॉर्म भरवाया था गाइज, उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर गाइज अभी तक किसी ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, वो जो फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस थी वहाँ पे फॉर्म रहेगा, आप वहाँ पे फिल करके आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। गाइज मुझे उसमें बहुत सारे टॉपिक मिले हैं, डेफिनेटली मैं उन सारे टॉपिक से वीडियो लेके आऊंगा। आप चाहे भले एक या दो बंदे देखना चाहेंगे, डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। अगर मेरी ओर से दो ही या 50 बंदों का डाउट क्लियर होता तो मुझे उसमें भी हैप्पीनेस मिलती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रही होगी, और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या क्या चीजें समझनी है, क्या क्या चीजें पढ़ के आनी है, किन किन चीजों पर फोकस करना है। और गाइस अगर आप नहीं पढ़ के आना चाहते हैं तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, तो ऑलरेडी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग आपको वैसे भी मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर आप पढ़ के आएंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपका बेनिफिट होगा इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।